पेट विकार का चिंता घबराहट एंजाइटी से कनेक्शन या मानसिक कनेक्शन, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला मुंबई पुणे यहाँ पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पेट विकार का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है आम जनता में, 4 से 5% लोगों को कुछ ना कुछ पेट का प्रॉब्लम है, ऐसा अनेक स्टडीज में पाया गया। कुछ स्टडीज ऐसे है कि उसमें ऐसा में मालूम हुआ है कि 10 से 15% लोगों को पेट का प्रॉब्लम है, और पेट के प्रॉब्लम में ज़्यादातर उनको एसिडिटी होना, पेट फूलना, फिर डिस्कम्फर्ट, ठीक नहीं लग रहा, बहुत मोटा मोटा सा ऐसा पेट लगना, भारी लगना, फिर अनाज ऊपर आना, पानी ऊपर ऊपर आना, ढकार आना, हिक्कप्स मतलब हिचकी लगना, फिर लैट्रिन मतलब कब्ज होना, लैट्रिन कॉन्स्टिपेशन होना, कब्ज होना, लैट्रिन साफ नहीं होना, या लैट्रिन ज़्यादा बार लगना, बहुत बार लैट्रिन लग जाती है, या उनको ऐसा लगता है कि अपना पेट खाली हुआ ही नहीं है, 3-3, 4-4 बार कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब लैट्रिन को जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन है और होता ही नहीं उनको लैट्रिन, और फिर उनका दिन 1-1, 2-2 घंटे उसमें जाते हैं, लैट्रिन होने के लिए टाइम लगते रहता है, 1-2 घंटे उनको लैट्रिन में बैठना पड़ता है। तो ऐसे में हमको देखना है कि इसका कारण मानसिक कैसे हो सकता है। मैंने अलग अलग वीडियोज़ में भी पहले बोला हुआ है कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना हम मुँह से अंदर डाले, ये जो अन्न नलिका है यहाँ से अंदर जा रहा है, पेट में जा रहा है, स्टमक है, फिर स्टमक में वो पूरा जमा होता है, फिर धीरे 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 नीचे सरकते सरकते जाता है, वो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ जाता है, फिर अंदर लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ जाता है, उसका पचन होते जाता है, उसमें सिक्रीशंस मिलते जाते हैं, एब्सॉर्प्शन होते जाता है, जो चाहिए जो एनर्जी देता है उसको अंदर खींच लेता है अपनी सिस्टम, ब्लड में चले जाता है, और जो नहीं चाहिए वो नीचे नीचे सरकते सरकते जाता है, और वो मलकोश में जाएगा और मल द्वार से वो बाहर निकल जाएगा। अभी इसमें ये करीब करीब मतलब मुंह से लेके मलद्वार तक पूरी हम सिस्टम देखेंगे तो ये करीब करीब 30 फुट की अप्रॉक्सीमेटली लेंथ है उसकी, और 30 फुट की लंबाई से वो धीरे 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 नीचे 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 जाते रहता है। अब ये सिस्टम को तो हम चला सकते नहीं है, ये सिस्टम चलाने वाली जो है जो सबकॉन्शियस माइंड हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ब्रेन पैटर्न्स, उसमें दो मेन है, एक है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरी है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम उसको मैं SNS बोलूंगा, SNS। तो SNS जब ज़्यादा एक्टिव होती है SNS, तो आपको कब्ज होंगी, आपको एसिडिटी होंगी, आपका पेट फूला होगा, क्योंकि SNS जो है वो अनाज को नीचे नीचे सरकाने में रोकथाम करती है। उसका जो धक्का मारने का जो तंत्र, धक्का मारते मारते वो अनाज को नीचे लेके जाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो SNS मतलब सिंपथेटिक सिस्टम जो है वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम रोक देती है, वो उसको ढीला कर देती है, स्लो कर देती है, और अनाज नीचे 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 जाता नहीं है, मलद्वार तक वो पहुंचता नहीं है, एब्सॉर्प्शन ठीक नहीं होता है, तो वो SNS से होता है। यदि आपकी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम यदि एक्टिव है, PNS पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रेन का एक हिस्सा, वो यदि है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छी हो जाएंगी, धक्का जो है नीचे 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 मारते मारते उसको लेके जाएंगे, और धक्का मारने के समय होता क्या है, उसमें सिक्रीशंस मिलते रहते ताकि वो जो अनाज है वो जरा लिक्विड रहे और बाहर आने में उसको सहायता हो जाएगी, जल्दी बाहर आने में, नहीं तो फिर समझो कड़क हो गया पत्थर जैसे, बाहर कैसे आएगा। तो वो जो अनाज जो नहीं होना है, जो वेस्टेज है, उसमें लिक्विड का सिक्रीशन होते होते नीचे 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 उसको सरकते सरकते जाना पड़ता है, ताकि वो नीचे भी जा सके और गुरुद्वार से मलद्वार से वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आके मतलब वो जो नहीं चाहिए वो बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, एक तो धक्का मारने की, दूसरी उसमें सिक्रीशंस मिला के उसको पतला करने की जो नहीं होना है वो, और तीसरा जो है गुदद्वार खुलने की। ये तीनों प्रक्रिया जो है वो SNS से रोक देती है, मतलब SNS रोक देती है, वो स्लो कर देती है। और PNS जो है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम उसकी यदि एक्टिविटी हो गई है तो ये पूरी संस्था बराबर काम करती है, पाचन संस्था। अब आएंगे हम एंग्जाइटी की तरफ, जिनको चिंता है, घबराहट है, बेचैनी है। अब चिंता घबराहट बेचैनी वाले जो लोग हैं, कुछ भी हो गया वातावरण में तो उनको चिंता आती है, नर्वसनेस है, टेंशन है, स्ट्रेस है, हर बात वो नकारात्मक लेते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर उनको गुस्सा आएगा, छोटी बात के ऊपर उनको निगेटिव थाट्स आएंगे, और जब उनको एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, उससे होता क्या है कि उनकी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, SNS एक्टिवेट हो गई कि
कि वो पूरी पाचन संस्था को रोक देती है, स्टैंड स्टिल कर देती, रोक देती, काम नहीं करने देती। वो काम नहीं करने देगी तो नेचुरली पेट फूलेगा, एसिडिटी होंगी, क्योंकि आगे वो बढ़ नहीं रहा है, नीचे नीचे सरक नहीं रहा है, फूड वेस्टेज नीचे नीचे नहीं जा रहा है, सब स्लो हो गया। तो एंग्जाइटी जिनको है, टेंशन है, तो उनको ये प्रॉब्लम, कोई भी निगेटिव विचार, कोई भी निगेटिव सिचुएशन, निगेटिव विचार से एंग्जाइटी बढ़ गई, जो सिंपथी नर्वस सिस्टम जो SNS वो एक्टिवेट हो गई, सब हॉल्ट पे आ गया। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है जिनको पाचन संस्था का प्रॉब्लम है, पेट विकार का प्रॉब्लम है, सब तरह की जांच वो कर लेते हैं, सब तरह की जांच करने के बाद में भी मिलता कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके जो दो हिस्से हैं, एक पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, एक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जिनकी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ठीक काम कर रही है, उनका बराबर आराम आराम से पचन हो जाएगा, आराम आराम से मलद्वार से वो बाहर निकलेगा जो वेस्टेज है। चिंता घबराहट यदि आ गई तो वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो गई, वो पूरी पाचन संस्था को स्लो कर देंगी, रोक देंगी, और उससे प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो फिर अभी क्या करें? एंग्जाइटी जो है, चिंता है, घबराहट है, उसको रोकने के लिए दवाई ले लो। दवाई से चिंता, घबराहट, टेंशन, स्ट्रेस कम हो जाएगा, पेट ठीक हो जाएगा, मगर वो टेम्पररी इलाज है। हमको तो जो पैटर्न्स बने हुए उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा, उसको बदलना होगा, वो पैटर्न्स को। जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हम करते हैं, मतलब वो हो जाते हैं एक्चुअली, उसको रोकना पड़ेगा। और उसके लिए फिर हमारे पास में हिप्नोथेरेपी, सम्मोहन उपचार, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मानसोपचार, मेडिटेशन। तो वो यदि करते हैं तो ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे पचन ठीक सा हो जाएगा। तो हमको ये देखना है कि वे चिंता घबराहट से मुक्ति कैसे पाएंगे। चिंता घबराहट, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, पैनिक, फोबिया, ये जो है पूरी जनरलाइज एंग्जाइटी, अलग अलग उसके मायने, उसमें ये पाचन संस्था का प्रॉब्लम आता है। और उसके लिए फिर लॉन्ग टर्म इलाज आप यदि करते हैं 4 से 6 महीने, तो बिना दवाई का हरदम के लिए आपकी प्रकृति ठीक हो सकती है, आपका इलाज हो सकता है, और आप एक अच्छा नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। तो ये वीडियो सभी लोगों को शेयर करो, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है पाचन संस्था का, और उसके लिए फिर इलाज हम करते हैं तो जीवन अच्छा जी सकेंगे। एंग्जाइटी कम करने के लिए क्या है? एंग्जाइटी कम करने के लिए आपके पास में सेरोटोनिन बढ़ाने की दवाई है, वो दो वो लेंगे तो आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएंगी, आपकी पाचन संस्था अच्छी हो जाएंगी। हमारे हर बुधवार को हफ्ते में एक बार दो बार सेक्स के विषय में वेबिनार होते हैं, वो वेबिनार में जो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर क्लिक करो, हमारे सेक्स वेबिनार में आप ज्वाइन हो सकते हैं। वो लिंक पे क्लिक करना है आपको, और फॉर्म भरने का है, आपको इंटीमेशन आ जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।